रांची में साफ हुआ आसमान, आज से बढ़ेगी सुबह शाम की सर्दी। अगले तीन दिनों में तापमान में गिरावट के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट और मैं पूर्वा। रांची में आसमान पूरी तरह साफ हो गया है, सुबह से ही कड़ी धूप है। मौसम विभाग के अनुसार अब सुबह और शाम के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी, इससे सुबह शाम की ठंड बढ़ेगी। अगले तीन दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार है। इसके साथ ही रात में ओस और सुबह हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच अपेक्षित बारिश 61.4 मिलीमीटर है, जबकि इस अवधि में 109.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश पश्चिमी सिंहभूम में 242% ज्यादा दर्ज की गई है। वहीं देवघर में 211%, गिरिडीह में 131%, कोडरमा में 124%, रामगढ़ में 133%, बोकारो में 112% और धनबाद में 105% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या हाल रहा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है, जबकि ऐसे 2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश दुमका के खुशियारी में 130.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया, जबकि साहेबगंज में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गढ़वा में 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के सबसे कम न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट के साथ। धन्यवाद।